हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 PGT TGT एंड PRT के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जहां से दोस्तों 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, और डेफिनेटली दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो जीके करंट अफेयर, जीके और जीएस के क्वेश्चंस का अपलोड कर दिया है। इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की भी वीडियो प्रोवाइड कर दी है दोस्तों, जिससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को भी एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड यहाँ पर आपको APS से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ बनते हैं दोस्तों, सारी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करी जाएगी। सो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नाउ वीडियो स्टार्ट करते दोस्तों और देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। इन्होंने दोस्तों कौन सी बुक लिखी है? तो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स की। ये करंट अफेयर का पार्ट है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पहला अहरवल उत्सव आयोजित किया है? तो किसने किया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन राज्यों के लिए संजय दत्त ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किया है? तो किसके लिए किया है फ्रेंड्स, तो अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, कह रहा कौन सा देश लगभग 400 वर्षों के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बन गया है? तो कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, बारबाडोस। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सहमति परियोजना शुरू की है? तो किसने करी है फ्रेंड, तो उड़ीसा ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6, हाल ही में 7 हीरोज ऑफ 1971 किसने लिखा है? तो किसने लिखा दोस्तों, 7 हीरोज ऑफ, तो किताब लिखा दोस्तों अमन सिंह सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जबाद का नाम किन देशों द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 8, कह रहा भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड, संबित पात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा लोकतंत्र राजनीति और शासन किसने लिखा है? तो लोकतंत्र राजनीति और शासन किसने लिखा है, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने। सो ये क्वेश्चन दोस्तों दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये दोस्तों आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, तो किसने लिखी फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा, अयाज मेमोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11, कह रहा दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की नींव किसने रखी है? तो ये फ्रेंड रखी है नरेंद्र मोदी जी ने। सो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12 आपका, कहाँ बनाई गई 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल? तो ये कहाँ बनाई गई दोस्तों, ध्यान रखिएगा, AK-203 असॉल्ट राइफल, तो ध्यान रखिएगा, अमेठी उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर्स का, तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 13, कह रहा माउंटेन ड्यू का ब्रांड एम्बेसडर कौन है फ्रेंड? तो ये है आपका महेश बाबू अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत ने किस देश के साथ मैत्री दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है फ्रेंड बांग्लादेश के साथ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किस मंत्रालय में असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो असीम पोर्टल को दोस्तों किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कह रहा किस राज्य में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है दोस्तों उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17 है आपका, कि यहाँ से दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अभी हाल ही में चेंजेस आए हैं, तो ये क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है MSF एंड द रेट ऑफ बैंक रिमेन्स अनचेंज, इनमें कोई चेंज नहीं आया है। लाइक जो अभी आपका बजट आया है दोस्तों, उसके बाद ये सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो पॉलिसी रेपो रेट जो है दोस्तों 4% पे अटा हुआ है, रिवर्स रेपो रेट दोस्तों आपका है 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है दोस्तों ध्यान रखिएगा 4.25%, एंड बैंक रेट जो चल रहा है दोस्तों इस टाइम पे वो 4.25% है।
CRR कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों आपका है 4% एंड SLR है दोस्तों आपका 18%। CRR होता है दोस्तों एक मिनिमम अमाउंट जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, जो कि दोस्तों RBI द्वारा फिक्स की जाती है। SLR भी दोस्तों सेम ही है, कैश के साथ साथ इनसे अदर सिक्योरिटीज़ भी आपको 18% अपने पास रखना पड़ता है दोस्तों। तो ये आपका था करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इफ़ यू लाइक वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।